आपको भी चाहिए इंस्टेंट पर्सनल लोन पूरे 10 लाख रुपए तक का, तो इस वीडियो को सही से देखो। आज आपको एक ऐसे ऐप बताने वाला हूं जहां से आप दोस्तों पर्सनल लोन ले सकते हो 10,000 से लेकर 10 लाख तक का। जी दोस्तों, इतना अमाउंट अगर आपको चाहिए घर बैठे तो आप ले सकते हो बड़े आसानी से एक ऐप की मदद से। वो ऐप के बारे में आपको सही से इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आप इस पर अप्लाई कर सकते हो फोन की मदद से, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की मदद से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और इस पर दोस्तों अप्लाई करने के लिए कोई हमें पेपर वर्क नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर डिजिटल लोन अप्लाई कर रहे हैं। डिजिटल लोन अप्लाई करने के लिए हमें कोई पेपर वर्क देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है उसी की मदद से हम लोन ले सकते हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स मतलब हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा पैन कार्ड है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है, और भी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, और भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों सिर्फ आपका मेन जो है ना पैन कार्ड, सबसे बड़ा पैन कार्ड है। पैन कार्ड की मदद से आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और भी इन्फॉर्मेशन है, और भी चीज है, वो आपको बताने वाला हूँ। सिविल कितना होना चाहिए ये सब आपको बताने वाला हूँ। चलिए आप इस वीडियो को सही से देखिए, क्योंकि इसमें आपको बताने वाला हूँ ब्याज कितना होना चाहिए, इस पर लग रहा है पोस्टिंग फीस कितना लगेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन सा एप्लीकेशन है। अगर आपको जानना है और आपको अप्लाई करना है, सही एप्लीकेशन चुन रहे हो, तो आप इस वीडियो को सही से देखो। बेस्ट ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करते हैं सपोर्ट हमें मिलता है कि हम आपके लिए इस वीडियो लेके आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अप्लाई करने जाते हो तो दोस्तों बेस्ट लोन ऐप कहां ढूंढते हो? बेस्ट लोन ऐप दोस्तों आप प्ले स्टोर पर ढूंढते हो कि बेस्ट लोन ऐप कौन सा है, जानकी नहीं तो यूट्यूब पर ढूंढते हो, तो यूट्यूब पे ढूंढोगे तो प्ले स्टोर पे ही ले जाएंगे। तो दोस्तों प्ले स्टोर पे सबसे अच्छी मेरे को जो बेस्ट एप्लीकेशन लगा है अभी तक का, जिसमें आपको दोस्तों ध्यान किए इस पे 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, यानी कि इससे ज्यादा इस पे नहीं मिल रहा है। 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन आप मिल जाएगा इस पे, जितना भी अमाउंट चाहिए इसमें आप इस पे ले सकते हो। और इस पे दोस्तों खास बात यह है कि आप इस पे देख सकते हैं, यहां पर बता दूं कि 10 लाख रुपए तक का आप इस पे लोन ले सकते, 10 लाख तक का लोन। और इस पे ये आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको लोन मिलता है, जैसे कि 10,000 से लेकर 10 लाख के बीच में ये आपको ऑफर मिलेगा। ये नहीं कि मान लीजिए आपको 5 लाख का लोन चाहिए तो 5 लाख, देखिए इस पे क्या है कि सिविल के हिसाब जब लोन मिलता है ना, ऑफर देते हैं ये सब एप्लीकेशन, तो वो आपके सिविल पे डिपेंड करता है कि आपको 50,000 मिलेगा, चाहे 2 लाख मिलेगा, चाहे 5 लाख, चाहे 10 लाख, सिविल पे, इनकम पे और आपके प्रोफाइल पे, जो भी हो जैसे सिविल पे ही डिपेंड करता है ये सब। तो मेन बात है आपका सिविल सही होना चाहिए। सिविल अगर आपका सही है तो सही अमाउंट मिलेगा, यानी कि 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन आपको इसके बीच में आपको लोन मिल सकता है, ऑफर आपको मिलेगा, क्योंकि ये सब एप्लीकेशन जो होते हैं ऑफर मिलते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, क्या ये एप्लीकेशन RBI से NBFC रजिस्टर्ड है? जी दोस्तों, चलिए वो भी देख लेते हैं। तरीके देखते हैं, यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये जो एप्लीकेशन है RBI से NBFC रजिस्टर्ड भी है, और इनके जो पार्टनर हैं देखते हैं, ये जो है इनके जो पार्टनर हैं लेंडिंग पार्टनर। ध्यान कि जो ऐसे जो एप्लीकेशन होते हैं प्ले स्टोर पर जो लोन प्रोवाइड करते हैं, वो खुद लोन नहीं प्रोवाइड करते। आप सोचते हो कि यार वो खुद लोन देते हैं, क्योंकि उनके पास फंड नहीं होता, वो फंड, देखिए वो खुद ही लोन देते हैं, उन्हीं के एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब समझो आप कि जैसे कि ये जो फंड, जैसे कि पैसा जो होता है ना, पैसा किसी फाइनेंसर ऐप से, फाइनेंसर से लेके उसके बाद आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इनमें जाके आप उसको अप्लाई करोगे। ये क्या करेंगे, जैसे कि इनका जो पार्टनर है लेंडिंग पार्टनर, जो लेंडिंग पार्टनर देखते हैं, इनके लेंडिंग पार्टनर आदित्य बिरला भी हैं, इनमें से बहुत सारे फाइनेंसर के बारे में आप जानते होंगे। तो इन फाइनेंसर के पास आपका डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, वो डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, जो भी आपका सिविल होगा सिविल शेयर करेंगे, तो वो देखेंगे, वो सिविल पे ऑफर देंगे, फिर जाके आपको यहां से आपको इस एप्लीकेशन में आपको ऑफर दिखेगा, समझ गए आप। तो यहाँ पे ये इन सब एप्लीकेशन में आपको आपका डॉक्यूमेंट जो है शेयर करते हैं, यानी कि सबसे पहले इनके पास शेयर करेंगे, उसके बाद ये अप्रूवल करते हैं, फिर जाके आपको लोन मिलता है। अगर दोस्तों इनके पास जाने के बाद अगर आपको 10,000 से लेकर 10 लाख तक का यही अमाउंट लिखा रहता है, इसके बीच में देखिए इनमें से अगर लोन मिल गया, कोई दे दिया, जैसे कि मान लीजिए सिविल शेयर करते हैं, सिविल पे आपका बैकग्राउंड होता है, समझ गए, आपके फेस से क्यों नहीं आता है, तो चेक करेंगे भैया आप कैसे व्यक्ति हो, आपका इनकम कितना है, आप इनकम भी अपना साथ में शेयर करोगे, ठीक है, तो चेक करेंगे हाँ भाई मैं इनको इतना लोन प्रोवाइड करूंगा। तो इनमें से दोस्तों कोई सी भी कंपनी हो तो आपको शेयर करेगी, ठीक है, वो आपको फंड मतलब यहाँ से जो अप्रूवल करेगी, उसके बाद दोस्तों इस ऐप में आकर अप्रूवल होता है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है मेरे ख्याल से काफ़ी सही है, इस पर ये NBFC रजिस्टर्ड भी है, NBFC जो इनका पार्टनर होते हैं ना, NBFC रजिस्टर्ड जो पार्टनर होते हैं, जो फंड प्रोवाइड करते हैं, वो सब रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे कि देखिए आदित्य बिरला है, ये काफ़ी बड़े कंपनी है, आदित्य बिरला के बारे में कोई नहीं आता अपने इंडिया की, आदित्य बिरला कई सारी कंपनी है जो जिनके बारे में आप जानते हो, ठीक है, जो मैं इनमें से कई लोगों के बारे में जानता हूँ, कई लोगों के बारे में नहीं भी जानता हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि यहाँ पे इस पर लोन अप्लाई करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बता दूँ कि डॉक्यूमेंट्स की बात आप छोड़िए, डॉक्यूमेंट्स मेन आपका लगता है सिर्फ आपका ज़्यादा सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका पैन कार्ड। देन कि कई लोग क्या करते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, देखिए पैन कार्ड जब बनता है जब आपका 21 साल उम्र हो जाता है,
इसके लायक आप होते हो पैन कार्ड का, तब आपका 21 साल में पैन कार्ड आपका बनता है। दूसरी बार जब आप इनकम स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, तब जाके लोन आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। बिना इनकम के कहीं जल्दी हमें लोन नहीं मिल पाता है। अब देखिए कि यहाँ आप देखते हैं कि सबसे पहले कि ये जो है, ये जो पर्सनल लोन है, सैलरी वाले और सेल्फ पे दोनों प्रोवाइड करता है, यानी जो भी इनकम कर रहा है, इनकम सोर्स जिसके पास है, तो मेरा कहने जैसे कि मैंने आपसे कहा था इनकम सोर्स है तब जाके इस पर आप अप्लाई करना, वरना मत अप्लाई करना। तो यहाँ पे दोस्तों इनकम सोर्स जो भी है आपका, पैसे आपके बैंक में क्रेडिट हो रहे हैं, पैसा आपके बैंक में आ रहे हैं, तो आप इस पर अप्लाई कर लेना, ठीक है। अब दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपसे सिविल कितना मांग रहे हैं। सिविल देखते हैं, लो सिविल, जैसे कि ये आपका लगभग जैसे कि मिनिमम सिविल आपका 600 होना चाहिए, वो भी सही कंडीशन पे। जैसे कि मान लीजिए कहीं से लोन लिया, आपने टाइम से पेमेंट कर रहे हो, ये नहीं कि आपने टाइम से पेमेंट कहीं से नहीं कर रहे हो और आपका सिविल ख़राब है, तब जाके अप्लाई मत करना। सीधी सीधी मैं बात करता हूँ, अप्लाई मत कर। जब आपका सिविल इस कंडीशन में इसका अप्लाई कर रहे हो, एक दो मतलब कभी कभी क्या होता है कि सिविल थोड़ा इस पर डाउन होता है कभी कभी, लेकिन पेमेंट टाइम से कर रहे हो आप, तो अप्लाई कर लेना, ठीक है। ये नहीं कि आपने पेमेंट कहीं से नहीं किया, दोबारा अप्लाई करो तो उसमें रिजेक्ट होने का चांस 100% क्या 1000% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिविल मिनिमम 650 होता है, थोड़ा सा बेस्ट होता है, तो मिनिमम 600 से लेके 650 तक ऊपर होना चाहिए, आपका सिविल सही होना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने कहा था आपसे कि ये जो है 21 साल से लेके 57 साल तक। 21 साल क्यों बोलते हैं कंपनी, हर कंपनी, किसी भी कंपनी में लोन लेने के लिए जाओगे आप, अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो पर्सनल लोन मेन आपका होता है 21 साल से लेके 57 साल तक, 21 साल से स्टार्टिंग होता है। 21 साल क्यों, क्योंकि आपका पैन कार्ड के बिना ये लोन नहीं देते हैं, समझ गए। पैन कार्ड बहुत जरूरी है हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड जरूरी है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि देखते हैं यहाँ पे इनकम रिसीव योर बैंक अकाउंट, आपके पैसे जो आपके बैंक में क्रेडिट होना चाहिए, दैट्स कि जो भी आप इनकम कर रहे हो, इनकम सोर्स है आपका, तो पैसे आपके हर महीना बैंक में आ रहे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट। अब देखिए कि डॉक्यूमेंट्स पे क्या क्या देना है, नाम भी आपको बताऊंगा, एप्लीकेशन कौन सा वो भी आपको बताऊंगा, तस्वीर रखिए थोड़ा सा, पहले जान लीजिए, समझ लीजिए। तो कई लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, जाके अप्लाई करते हैं, उनका रिजेक्ट होता है, पहले समझ लो भाई, उसके बाद जाकर अप्लाई करना। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। ये दोस्तों देखते हैं, ये जो है ये कम से कम 8 लैंग्वेज में आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इस एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे एप्लीकेशन सही लगा है पर्सनल, तब जाकर मैं इसे सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, जो एप्लीकेशन जो सही लगता है वो अपने चैनल पर जाकर रिव्यू करता हूँ आपको। हमारे चैनल पर सिर्फ आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। हमारे चैनल पर कोई आपको लोन वोन नहीं देता है, ना हम लोन देते हैं, हमारी तरफ से कोई आपको लोन वोन प्रोवाइड नहीं करता है, हम लोन देते ही नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करते हैं और बताते हैं कौन सा एप्लीकेशन सही है, किससे आप जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उस एप्लीकेशन के बारे में हम जानकारी देते हैं, हमारा काम है जानकारी प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना कि एप्लीकेशन कैसा है, वो क्या है, उसके बारे में रिव्यू करना काम है। अगर आपको अच्छा लगता है जाके उसके बारे में सही जाचिए, बताइए, उसके बाद इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद जाके अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो हम सिर्फ हमारे चैनल तरफ से ना कोई कॉल करता है, ना कोई मैसेज करता है, ना कोई व्हाट्सएप, ये सब हम मेल वेल नहीं करते हैं, ठीक है। और हमारा जो मेल आईडी है सिर्फ हमारा प्रमोशन के लिए वहाँ पे, ठीक है, प्रमोशन के लिए, बाकी हम यहाँ पे सिर्फ जानकारी देने का हम काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप जानकारी अगर सही लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल जरूर फॉलो भी कीजिएगा। तो ये जो एप्लीकेशन जो 8 लैंग्वेज में, यानी 5000 लोकेशन पे है इंडिया के अंदर, जो इंडिया आपने उसको वहाँ पे 5000 लोकेशन पे ये आपको एप्लीकेशन कहीं भी, मतलब ऑल इंडिया आप इस पे कहीं से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो ये इस पे आप अप्लाई कर सकते हो, बेफिक्र रहो, गाँव हो शहर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहीं से भी आप इससे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको बता दिया हूँ वो चीज़ है आपके पास, तब जाकर अप्लाई करना। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि देखते हैं 5000 से लेके, अब देखिए 5000 से लेके 10 लाख तक का लोन देते हैं, इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप एप्लीकेशन है, और आपको जल्दी लोन चाहिए तो इस पर आप ट्राई कर सकते हो आप। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, उसके बाद उसको यहाँ पे देखते हैं क्या है कि ये प्रोवाइड बेसिक डिटेल, यानी 2 मिनट। देखिए कि बेसिक डिटेल मतलब क्या, मतलब बेसिक डिटेल में क्या होता है, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हो, आप किसी को जरूरत है क्या किसी को अप्लाई करने के लिए, आप खुद अप्लाई कर सकते हो। बेसिक डिटेल मांग रहे हैं, आपको नाम अपना डाल सकते हो, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सब डाल सकते हो अपना, और अपना पैन कार्ड का नंबर डालते ही ये आपको ऑफर प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं ये सब होता है पैन कार्ड, ये बेसिक डिटेल होता है, ये आपका पैन कार्ड का नंबर डालते ही आपका ये बेसिक डिटेल आपको ये ऑफर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे थर्ड पे, तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे चॉइस, जो भी अमाउंट आपको मिले हैं उसमें से आपको चॉइस करना है, ठीक है, जो भी अमाउंट आपको मिल गए हैं इसमें से, उसमें से आपको रीपेमेंट और अमाउंट सेलेक्ट करना है, जो भी अमाउंट ऑफर मिला है। मान लीजिए 50,000 का लोन मिला तो उसमें से आप कितने दिन के लिए बनाना चाहते हो, 12 महीने, 24 महीने, उसमें से आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे KYC,
अब देखिए कि ये कह रहे हैं केवाईसी इनकम वेरिफिकेशन, यानी आप अपना बैंक स्टेटमेंट देके केवाईसी कर सकते हो। केवाईसी में आप अपना पैन कार्ड जो आपने डॉक्यूमेंट शेयर किया है, पैन कार्ड जो एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, देखिए आप आपसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगते हैं केवाईसी जब अप्लाई करोगे, सबसे पहले आपका पैन कार्ड है, उसके बाद दूसरा आपका इनकम सोर्स है, ठीक है। इनकम सोर्स में अपना बैंक स्टेटमेंट सैलरी स्लिप जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद उस यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि यहाँ पे अपना जो पैसा आपके आता है बैंक में क्रेडिट होता है, तो उसका क्योंकि ये आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, बैंक से ही पैसा का लेन देन होगा आपका, जो भी पैसा आपके क्रेडिट होगा आपके बैंक में EMI कटेगी आपके बैंक से ही, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ जो है आपका बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद दोस्तों एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दोस्तों, वोटर आईडी, जो भी एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हो, मांगते हैं वो चीज़ देना आपको एड्रेस प्रूफ में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही आप इस पे KYC कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद दोस्तों 24 में पैसा आपका इंस्टेंट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। बस इतना सा 4 स्टेप फॉलो करना है, आपको पैसा इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों कहो कि आप इस एप्लीकेशन का नाम बताओ। अब देखिए कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, इसका नाम है MoneyView। देखते हैं MoneyView पर्सनल लोन, ये एप्लीकेशन पुराना, लेकिन दोस्तों मुझे सही लगता है, जो चीज सही होता है ना उसके बारे में बताना मुझे मजा आता है, क्योंकि दोस्तों वो चीज सही होता है, क्योंकि आजकल क्या है ना, प्ले स्टोर पे आएंगे तो अनलिमिटेड एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जिसमें से आपको बहुत सारा एप्लीकेशन फेक भी है, बहुत सारा एप्लीकेशन सही भी है, तो जो सही एप्लीकेशन रहते हैं उससे हम उसके बारे में बताते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है MoneyView काफी अच्छा लगा, बाकी और भी एप्लीकेशन है इनके बारे में, अगर आपको जानना है तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इस एप्लीकेशन के बारे में बताओ, और आपको जिस भी ऐप के बारे में जानना है मुझे कॉमेंट कीजिएगा, उसके बारे में आपको जानकारी सही से लेके मैं आपके वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको जानकारी दी है, और ये जानकारी कैसे लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस ऐप से अप्लाई करने के लिए देखिए सबसे पहले दोस्तों मनी एप्लीकेशन यहाँ डाउनलोड करना है। देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, देखते हैं जैसे कि मैंने कहा था आपसे क्या कि आप अपना नाम डाल सकते हो, सैलरी हो या सेल्फ, जो भी जिस तरह से आपकी इनकम है सैलरी वाले से, कि कहीं वर्क कर रहे हो फिक्स सैलरी है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जैसे कि मान लीजिए कुछ बिजनेस करो, अपना कुछ बिजनेस करो, चाहे जो भी हो सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, जैसे कहीं से भी आपका इनकम सही आ रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए फिक्स सैलरी है, जैसे कि मान लीजिए फिक्स आपकी कहीं से मतलब कहीं किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो सैलरी पे आप जा सकते, सैलरी पे डाल देना, ठीक है। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे महीने की आपकी इनकम आ रही है, और कहीं से जैसे कि आप किसी और तरीके वर्क कर रहे हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड डालना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ जाओगे, यहाँ से आपको ऑफर मिलेंगे पैन कार्ड नंबर, क्योंकि यहाँ पे दिखाएंगे पैन कार्ड नंबर आपसे मांगेंगे तो पैन कार्ड नंबर जरूर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से दोस्तों देखते हैं, इस तरह से दोस्तों आपको लोन का ऑफर मिलेगा 10,000 से लेकर 10,00,000 के बीच में। इस तरह से EMI सेलेक्ट करना है आपको, जो भी EMI सही लगता है तो आप देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, मैंने आपको ब्याज क्यों नहीं बताया, ब्याज दोस्तों ध्यान रखिए कि ब्याज जो है कि आप जब अप्लाई करोगे तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको आएगा, जब आपको लोन का ऑफर आपको मिलेगा, जब आपको लोन का ऑफर, तो वहां पर पहले आपको ब्याज प्रोसेसिंग फीस सब बता दिया जाता है, ठीक है। आपको बता दूंगा, चलते हैं कि ब्याज कितना है, वो सब आपको साल का बता दूंगा कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सही लगता है तो आप इसे आगे बढ़ेंगे, नहीं सही लगता तो आप इसे हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे, अपना सेल्फी जिससे कि देखते हैं, यहाँ से आपको सेल्फी डालना है, वीडियो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों करेंट एड्रेस प्रूफ, जैसे कि बताया था एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, वोटर आई डी, रेवलेशन कुछ भी आप दे सकते हो, सर कर सकते हो। उसको यहाँ पे डेबिट पेन और डॉक्यूमेंट्स मांगे दे देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इस पर मिल जाएगा कब आपको टाइमिंग है पेमेंट का, कब आपको ड्यू है, कब आपको EMI पे करना है, सब यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। चलिए बता दें कि यहाँ पे आपको ब्याज ऐसे कितना लगने वाला है। यहाँ पे आएंगे दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले कि देखते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि 50,000 का आपने लोन लिया, ठीक है। देखते हैं 16% से लेके 39% का साल का लगेगा, तीन महीने से लेके 5 साल के लिए इस पर आप किस्त बना सकते हो, किस्त, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, मान लीजिए कि 50,000 का लोन लिया आपने, 50,000 रुपये लोन आपको मिला 24 महीने के लिए आपने लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 1,750 रुपये जो भी हो टोटल आपको कितना लग रहा है वो आपको बताऊँ, देखते हैं यहाँ पे टोटल आपको लग रहा है आपको पे करना पड़ेगा 12 महीने में 56,736 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आपके बैंक में मान लीजिए 50,000 लोन लेते हैं तो आपके बैंक में पैसा कितना क्रेडिट होगा, 47,935 रुपये आपके आपके बैंक में क्रेडिट होंगे 50,000 में, ठीक है। और आपको 12 महीने में टोटल आपको पे करना पड़ेगा 56,736 रुपये, मैंने शॉर्टकट में बता दिया है। इस तरह ये है दोस्तों पूरा, यहाँ पे बता दिया हूँ जो ब्याज लगेगा, तो आप कैलकुलेट कर लेना 12 महीने में कितना ब्याज लगेगा, कितना परसेंट, यहाँ पे सब यहाँ पे दिया गया है सिंपल सा भाषा में, ताकि आप पहले आप इस ये सब चीज़ देख लो कि हाँ भाई अगर आपको सही लगता है उसके बाद जाके अप्लाई करना है। यही चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो पहले आप इस पर समझो उसके बाद जाके अप्लाई करना, ठीक है। तो दोस्तों सही चीज़ चुनो, सही सही जगह अप्लाई करो, ताकि आप उस पर टाइम से
रीपेमेंट कर सको। और ध्यान रखिए, कहीं से भी लोन लेते हैं तो टाइम से रीपेमेंट जरूर कीजिए ताकि आपका सिविल बना रहे, है ना कि। और दोस्तों, लोन उसी रीजन पर लेना चाहिए जब आपको पैसे की इमरजेंसी हो, पर्सनल यूज की इमरजेंसी हो, क्योंकि लोन लेने के बाद देख सकते हैं, मान लीजिए कि 50,000 का लोन लिया, आपका बैंक में इतना क्रेडिट हो, इतना चुकाना पड़ रहा है, तो पहले आप सब देख लेना कि हाँ भाई मैं इतना लूँगा, इतना चुका सकता हूँ, मैं चुका सकते हो, तब जाके हर महीने की इतना किस्त पेमेंट कर सकते हो। देख से पैसा हर महीने के इतना आपको लग रहा है तो इतना पे कर पाओ कि नहीं कर सकते तो मतलब कोई बात नहीं, बाकी मैं अर्निंग जानकारी देता हूँ, जाके वहाँ से अर्निंग करो, पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम करो, वो आपके लिए बेस्ट होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।